हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब क्लास। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। इस वीडियो में मैं आपको शो करूंगा कि एक्स रिकॉर्डर को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे बहुत लोग की वीडियोस होती है वो छोटी हो जाती है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें। तो देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक्स रिकॉर्डर डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक्स रिकॉर्डर मेरा यहाँ पर डाउनलोड है। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, एक बार प्रेस करेंगे। चलिए, मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इसके सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ वीडियो है, कैमरा है, उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग का है, फिर यहाँ पे पेंसिल दिया है जिससे आप एडिट कर सकते हैं वीडियो, और फिर यहाँ पे सेटिंग है। तो मैं सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अब रेवोल्यूशन में आएगा। कहाँ पर आएँगे? यहाँ पर रेवोल्यूशन की वेन है, रेवोल्यूशन में आएँगे। रेवोल्यूशन में जाने के बाद आप कर देंगे 180p, क्योंकि वीडियो आपको बहुत अच्छी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी में आप कुछ चेंज नहीं करेंगे, क्वालिटी आप ऑटो रख दीजिएगा, क्वालिटी जो रहेगी आपकी ऑटो रहेगी। उसके बाद क्वालिटी क्या रहेगी आपको? ऑटो रहेगी। FPS इसको भी ऑटो रखिएगा। हाँ, ओरिएंटेशन ये इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन में आपको क्या करना है? ऑटो नहीं सेलेक्ट करेंगे, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में ऑटो रहता है। आप क्या करेंगे, आपको लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड ऑडियो ऑन कर देंगे, अगर ऑफ रहेगा तो ऑन कर देंगे, जनरली ये ऑन ही रहता है। अब कुछ नहीं चेंजेस करना है, फिर नीचे चले आइए आप। जब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ एक ब्रश का ऑप्शन देगा, अगर आपको उसमें कुछ एडिट करना है तो आप ब्रश को प्रेस कर देंगे, हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन और आता है रिकॉर्डिंग का। अगर जैसे आप अपने स्क्रीन पे ये जो विंडो शो करता है इसको हाइड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी ऑप्शन है। आप इसको यहाँ दिख कह रहा है हाइड रिकॉर्डिंग विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, तो आप इसको एनेबल कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। ओके, अब आपको कोई सेटिंग इसमें नहीं छेड़नी है, आप जितना है उसको इतना रहने दीजिएगा। बस आपको मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप होना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओरिएंटेशन लैंडस्केप होगा। रिकॉर्ड ऑडियो ऑडियो यस डेफिनेटली कर देंगे, आपका ऑडियो रिकॉर्ड होता जाएगा। अब क्या करना है आपको? आप इससे बाहर आ जाएंगे, आपका हो गया। अब आपको देखेंगे यहाँ पे एक विंडो रिकॉर्डिंग का शो करेगा, ये देखिए शो कर रहा है ना एक रिकॉर्डिंग का, और यहाँ पे एक पेंसिल शो करेगा जिसे आप राइट कर सकते हैं, ये रही पेंसिल, ठीक। अब क्या करना है? अब जैसे अब आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइएगा, यहाँ से ऑटो रोटेशन को ऑन कर दीजिएगा। ऑटो रोटेशन को आप ऑन कर दीजिए, जो ऑटो रोटेशन है इसे आप ऑन कर दीजिएगा। ऑटो रोटेशन ऑन करने के बाद आप यहाँ निकल आइए। अब आपकी जहाँ भी आपने PDF सेव की हुई हो, जैसे मेरी PDF यहाँ पे है, मैंने इसमें सेव किया हुआ PDF, अब ये PDF खुल गया। अब क्या करना है? अपने फ़ोन को आप लैंडस्केप मोड में कर दीजिएगा। हो गया, अब लैंडस्केप मोड में हो गया। फ़ोन लैंडस्केप मोड में होने के बाद यहाँ पर आपको विंडो शो कर रहा है, जैसे वेट कहाँ गया भाई, देखिए मैंने हाइड का ऑप्शन दिया था इसलिए मेरा हाइड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जाके अपने स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर से। स्क्रॉल करने के बाद मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ रिकॉर्डिंग का बटन आ जाएगा, यहाँ से रिकॉर्ड कर दीजिए। अब आपका ये रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया। यहाँ से एक बार टैप कर देंगे तो ये पूरा स्क्रीन आपका अच्छे से रिकॉर्ड होगा। अब बहुत ईजी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ लिखना है तो आप पेन को टैप कीजिए। अब पेन को टैप करने के बाद यहाँ एक विंडो खुल जाएगा, ठीक है। आप इजीली इसको जो भी कुछ एडिट करना चाहें, लिखना चाहें, इसमें लिख सकते हैं, या फिर आप इसको क्या करें, जनरली अगर आपको थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने हैं, जैसे अब आपको इसका पेंट चेंज करना है, जैसे यहाँ पे ब्लू टाइप का इसको चेंज करना है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके भी कई मेथड हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ टैप करेंगे, यहाँ इतने सारे कलर आ जाएंगे, आप इसमें कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जो ब्रश है उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया, मैंने कलर भी चेंज कर लिया, मैं ग्रीन ले लेता हूँ। अब देखिए, अब मैं जो लिखूँगा वो काफ़ी बड़ा लिखाएगा, ठीक है। अब इसे इरेज करना है तो मैं यहाँ पे इरेज का बटन है, इसको प्रेस करूँगा और इसको इरेज कर सकता हूँ। नहीं तो अगर ये पूरा का पूरा हटाना है तो यहाँ पर एक अंडो का विंडो है, मैंने इसको प्रेस किया, अभी अंडो हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ पे कैमरा का बटन है, आप इसके करेंगे स्क्रीनशॉट हो जाएगा, और इसके थ्रू आप स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसको आप एडिट करके अपना थंबनेल बना सकते हैं।
तो बस इतना ही ट्यूटोरियल था इस वीडियो में। तो इस चीज़ का बेशक ध्यान रखिएगा कि मेन जो चीज़ है इसमें है कि लैंडस्केप मोड में हो और जो पिक्सल हो 180 हो। डोंट वरी, इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनती नहीं है। अगर आप 1 घंटे की वीडियो बनाते हैं अप्रॉक्स वो 300 to 400 MB में जाएगा, तो दैट्स इनफ, वो बहुत सही है। ठीक है, तो पिक्सल ज़्यादा कम मत रखिएगा वरना आपकी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।